welcome you all to today's science class. We have already discussed chapter 1, that is growing new plants. So today we will be discussing about the question and answers, your exercise part, okay? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक एक्सप्लेन किया है. मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको समझाऊँगी. बाकी जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है? ये लॉन्ग क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लेते हैं. पहले है, ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. एक्सप्लेन. वी नो सीड्स आर फाउंड विद इन फ्रूट्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स. ये हमने आपको पहले समझाया था ना स्टूडेंट्स, कि फ्लावर्स से फ्रूट्स होता है और फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाया जाता है. मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. अ प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स बट ऑल द सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स. सारे सीड्स का प्लांट्स में ग्रो करते हैं? नहीं, कुछ को एनिमल्स खा जाते हैं, कुछ को बर्ड्स, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट, रेन एट्सेट्रा. जिनको प्रॉपर लाइट नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलता, एयर नहीं मिलता ग्रो करने के लिए, वो मर जाते हैं. तो कुछ ही रह जाते हैं विच विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज जर्मिनेशन? नेम द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड. एक सीड से प्लांट तक जो प्रोसेस है ग्रो करने का, उसे कहते हैं जर्मिनेशन. द राइट कंडीशंस फॉर द सीड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट आर सफिशिएंट वाटर, लाइट, वार्मथ एंड एयर. तो क्या क्या मेन चाहिए होता है एक सीड से प्लांट तक ग्रो करने के लिए? सफिशिएंट वाटर, लाइट, वार्मथ और एयर. द सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट और अ सीडलिंग इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम पार्ट. स्टेम से कौन कौन सा ग्रो करता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन? पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, कोलोकेशिया, गार्लिक एट्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर एनिमल्स हेल्पफुल इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. सीड्स जो डिस्पर्स होते हैं बाय एनिमल्स, वो कैसे? मैंने आपको समझाया था, याद है स्टूडेंट्स? देखो और एक बार देख लेते हैं. सम प्लांट्स हैव जूसी फ्रूट्स दैट एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट. द सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स पास थ्रू द गट ऑफ एनिमल्स एंड आर रिलीज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज दीज सीड्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. कुछ सीड्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका सीड्स डाइजेस्टेबल नहीं होता, जैसे कि ग्वावा, टोमेटो, मैंगो, बेरी टाइप फ्रूट्स जो भी होते हैं वो जूसी होते हैं और उनका जो सीड्स होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, डिफिकेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जो कि एक तरफ से और एक तरफ दूसरे तरफ कहीं और जाके वो डिस्पर्स हो जाता है. Fruits of some plants such as tiger's claws and xanthium have hook-like structures, velcro. These hooks stick to the fur of animals. वो उनके बदन पर लग जाता है और clothes of human beings and carry seeds with them. Thus, animals are helpful in seed dispersal. ठीक है? Next question. Name different steps of agriculture. कैसे soil preparation से लेकर एक plant को उगना है, वो पूरा प्रोसेस जो एग्रीकल्चर कहते हैं वो एक्सप्लेन करना है इसमें. ठीक है. पहले क्या था, सॉइल प्रिपेरेशन. उसमें द सॉइल इज प्लाउड, लेवल्ड एंड मैन्योर्ड बिफोर सोइंग द सीड्स. बीज डालने से पहले क्या करना है, प्लाउइंग करना है, लेवलिंग करना है, उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालना है. ये आएगा सॉइल प्रिपेरेशन में. नेक्स्ट है सोइंग, बीज लगाना. सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी आर सोड और डिस्पर्स्ड इन द सॉइल. Manuring, the nutrients are provided to the seeds at regular intervals. Manure is the decomposition product of plant and animal waste. जो plants सड़ जाते हैं, जो animals सड़ जाते हैं, animal का जो excreta होता है वो सब कुछ मिलाकर ना manure होता है. ठीक है, वो एक decomposed product होता है, that is called as manure. तो manuring किया जाता है to provide nutrition to the plant. फिर है इरिगेशन, द वाटर इज प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स. टाइम पर पानी दिया जाता है. वीडिंग, वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स आर रिमूव्ड यूजिंग वीडिसाइड्स और रिमूव देम मैन्युअली, हाथ से. मतलब जो एक्स्ट्रा, जो हम सपोज आलू का पेड़ लगा रहे हैं या फिर सपोज हम रोज प्लांट लगा रहे हैं, हम जो प्लांट लगा रहे हैं उसके अलावा आजू बाजू जो भी हमें एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है
वो हम हटा देंगे, अनवांटेड प्लांट्स जो हमें, जिसका खेती हमें नहीं करना है वो हम हटा देंगे, आइदर हाथ से या फिर वीडिसाइड्स यूज करेंगे टू रिमूव देम, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रह जाए इट विल टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स दैट यू आर ग्रोइंग, तो जो तुम ग्रो कर रहे हो उसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ये वीड्स ले जाएंगे, तो इसीलिए हमें वीड्स को काट फेंकना है, ठीक है। फिर है हार्वेस्टिंग, आफ्टर द क्रॉप इज फुल्ली ग्रोन इट इज कट एंड गैदर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। क्रॉप जब फुल्ली ग्रो कर जाता है, पक जाता है, वो काट कर इकट्ठा किया जाता है, देन स्टोरेज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, अच्छा वो हो गया, फिर द हार्वेस्टेड क्रॉप इज देन स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज और मार्केटिंग। थ्रेशिंग था एक बीच में, याद है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में वो हमने का एग्जाम्पल दिया था पैडी फील्ड का, जब वो पक जाता है उसको पहले इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है, फिर वो उसको धूप में रखा जाता है, फिर सूख जाने पर वो लूज होता है ग्रेन्स उसके साथ, उसको झाड़ना होता है, तब जाके ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। नाउ दैट ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज और मार्केटिंग, बाजार में बेचने के लिए, ठीक है। नाउ इट इज योर होमवर्क सेक्शन, आंसर द क्वेश्चंस दैट आर इन योर टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन द चैप्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, ओके। पेज नंबर 247 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विल बी योर होमवर्क, पेज नंबर 248 का थिंक एंड आंसर, उस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यू हैव टू डू इन योर होमवर्क, एंड पेज नंबर 249 का थिंक बियॉन्ड का 1 एंड 2, ठीक है। बाकी हम डिस्कस कर लेंगे, आप उसके बेसिस पर आंसर्स लिखिएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दीज आर वेरी इजी, यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ, ओके। दिस इज अ फन पार्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। थिंक एंड आंसर का डिस्कस कर लेते हैं एक बार। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, सीड डिस्पर्जल इज नेसेसरी फॉर द प्लांट्स टू ग्रो प्रॉपरली। सीड डिस्पर्जल क्यों इंपॉर्टेंट है? When all the seeds fall and start growing beneath the parent plant, they will be overcrowded and will not be able to get proper sunlight, water and other nutrients. So, seeds must be spread or scattered over a wide area to grow properly. मैंने एक example दिया था, याद है कि मेला में अगर आप जाओगे एक ही दुकान पर सब मिलके भीड़ करोगे तो किसी को properly खाना नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे stalls होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सारा सीड्स अगर एक ही जगह ग्रो हो जाए, एक ही जगह धक्का धुक्की करके सारा प्लांट्स ग्रो करें, तब किसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, किसी को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा। इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करना है एक जगह से और एक जगह, तब जाके वो प्रॉपरली ग्रो कर पाता है, ठीक है। फ्लावर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, व्हाई फ्लावर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। प्लांट का रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स इज वेरी एसेंशियल, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। द ओवरी ऑफ द फ्लावर बिकम्स फ्रूट, फ्लावर में जो ओवरी रहता है वो बाद में फ्रूट बन जाता है, एंड ओव्यूल्स बिकम सीड्स विद इन द फ्रूट। अब ये फ्रूट में जो ओव्यूल्स रहते हैं वो सीड्स बन जाते हैं, दीज सीड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि पहले यहाँ पे बोला गया था फ्लावर से होता है फ्रूट, फिर फ्रूट्स के अंदर होता है सीड्स, देयरफॉर फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट। प्लाउइंग इज एसेंशियल बिफोर सोइंग सीड्स, व्हाई इज प्लाउइंग इम्पॉर्टेंट? बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स इन क्रॉप फील्ड, लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड ब्रेकिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल सो दैट रूट्स पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल, देयरफॉर प्लाउइंग इज नेसेसरी बिफोर सोइंग। बीज लगाने से पहले हमें प्लाउइंग क्यों करना है, सॉइल प्रिपेरेशन क्यों करना है? ताकि जो सॉइल है उसको प्रॉपर एयर मिल सके, रूट्स अंदर तक जा सके, ठीक है, तब जाके उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिनरल्स वो सब मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गेस हु आई एम, आई एम एडेड टू मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था? Manures and fertilizers. Question number B. I contain food for the baby plant. I am a part of the seed. क्या होगा students? Endosperm. Okay, remember, endosperm contain food for the baby plant. It is a part of the seed.
Question number 3. Write true for T for true and F for false statements. Only water is required for the germination of seed. Is it? With water, warmth, air, nutrients are also required. So, it is false. Watering is required before seed germination. This is very true. Potato and ginger are roots of plants. We can grow new plants from these roots. Potato and ginger kya tha? Stem tha. Ye vegetable hai, lekin ye stem hai plant ka. So, this will be also false. Theek hai? Yahan pe fir kya bola hai? Dekho, create and learn. Draw a dicot seed and label its part. Ye aap khud kar lena, theek hai? Dekho fir. Given below are a few steps of agriculture. Identify and name the steps. चैप्टर मैंने समझाया था, वहाँ पे पिक्चर दिया हुआ था, आप बस आइडेंटिफाई करोगे और नीचे लिखोगे, ठीक है? फिर है क्वेश्चन नंबर 3. ग्रो अ पोटैटो प्लांट फ्रॉम अ पोटैटो, राइट डाउन द स्टेप्स इन योर नोटबुक. ये आप अपने फन एक्टिविटी के लिए कर सकते हो, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करने के लिए कभी करके देखना, मजा आएगा. चलो 249 का फिर देखो, थिंक बियॉन्ड में. प्लांट्स ऑफ रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट कैन बी ग्रोन फ्रॉम रूट्स. Is it the common practice for growing such vegetables in large quantities? The root crops such as radish, carrot, beets and turnips are grown from seeds when they are grown in large quantities. Theek hai? Step farming is seen in the Indian states of Himachal Pradesh and Uttarakhand. Why? Step farming wahan pe isiliye dikhta hai because these are mostly hilly areas. So people grow crops by cutting steps along mountain slopes. Okay? ओके स्टूडेंट्स, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. यू पीपल स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू.